college. Shri Guru Parampara ki सबसे पहले मेरे गुरुदेव मित्र लाभृष्टम विष्णुपाद अष्टोतरा सर्वान भक्त वेदांत सिलवान गुरु सिंह महाराज नित्य लाभृष्टम विष्णुपाद अष्टोतरा सर्वान भक्त वेदांत श्री नारायण गुरु सिंह महाराज की अभय चरण कमल में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोतर सतभ्रांत भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथा यथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। हिंदी समझते हैं नहीं? सब सब समझते नहीं समझे तो ये लोग गुजराती में ट्रांसलेट कर देंगे, जैसे रशियन लोग समझते नहीं है वो इंग्लिश से रशियन ट्रांसलेट कर देते हैं, समझ जाते हैं। चलो बढ़िया बात है। दो शब्द मैं बोलता हूँ। इस पृथ्वी में सबसे भारी वस्तु क्या है बोलो आप? इस दुनिया में सबसे भारी वस्तु कौन है, क्या चीज है? कौन भारी अच्छे हैं? पाप भारी है, पाप की भारी। सबसे भारी कौन है? धरती देवी। एक्चुअल सबसे भारी है, माँ से कोई भारी वस्तु नहीं है। क्या बोला? माँ से भारी वस्तु कोई नहीं है, है ना? माँ ही हमारे सब जीवन स्वरूप है, है ना? अच्छा माँ कहाँ रहती है? माँ कहाँ रहती है? आपकी माँ कहाँ रहती है? अरे धरती पर रहती है ना, बल वृंदावन। अच्छा धरती सब, क्योंकि देखो हल्का वस्तु भारी के ऊपर रहता है और भारी वस्तु हल्के हल्का वस्तु के ऊपर नहीं रहता। समझ में आया? क्या बोला अब बताओ? पहले हल्का वस्तु जो है भारी के ऊपर रहता है, है? समझे? वस्तु जो हल्का हो और भारी वस्तु उस पर रख दे वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे एक प्लास्टिक के टेबल है, आप वो उसके ऊपर भारी वस्तु रख दिया, 40 किलो 50 किलो की भारी वस्तु रख दे, टेबल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो टेबल भारी होना चाहिए, है? टेबल यदि भारी नहीं हो, आप भार सहन नहीं कर सकते हैं, वो क्या होगा? टूट जाएगा, है? सबसे भारी वस्तु क्या है? माँ। माँ सबसे, माँ छोड़कर कोई भारी वस्तु नहीं है, है? किंतु माँ कहाँ रहती है? धरती पर। तो धरती भारी हो गई। अच्छा धरती देवी कहाँ रहती है बोलो? शेष नाग के ऊपर। शेष बोले नाग के ऊपर रहते हैं ना, नाग जी कहाँ रहते हैं? बोले शिव जी के ऊपर, शिव जी के गले में रहते। शिव कहाँ रहते हैं? शिव जी के गले में रहते। अच्छा तो शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं। तो कैलाश भारी होगी ना, है? अच्छा कैलाश के किसने उठा लिए? रावण ने उठा लिया, है? समझे? जब जब रावण कैलाश में आ जाते थे वो प्रणाम नहीं करते, शिव जी के प्रणाम नहीं करते थे वो, समझ में? शिव जी के तो गुरु मानते हैं, है? रावण शिव जी के गुरु मानते हैं, किंतु देखो रावण कभी अपने सिर झुकाते नहीं था, सिर झुका करके हम प्रणाम करते हैं ना, सिर झुका कर। रावण कहते थे भाई रावण के सिर कभी झुकेगा नहीं, भले ही मर जाए, खड़े होकर के मर जाएंगे, किंतु सिर झुकेगा। इसलिए रावण कभी गुरु के प्रणाम नहीं करता था, है? समझ में आ रही कि नहीं? देखो एक बार शिव और पार्वती बातचीत कर रहे थे, इतने समय कैलाश जो है हिलने लगे, क्या होने लगे? भूचाल होने लगे। जैसे तब उस समय देवी पार्वती ही कहने लगी, ये नाथ अकस्मात कैसे भूचाल कैसे आ गई, है?
अर्थक्वेक कैसे आ गया? तो अब उस समय शिव जी हंस करके कहने लगे, देखो मेरा शिष्य आ गया। बोले कौन सा शिष्य? बोले रावण आ गया। बोले रावण जब कैलाश में आ जाते थे ना, वो पूरा शिव पार्वती समेत कैलाश को जो है ऐसे उखाड़ लेते थे और अपने सिर पर रखते, प्रणाम नहीं करना। नहीं बोले ऐसे प्रणाम करो, प्रणाम करते सिर झुकेगा ना। बोले रावण बोले मैं सिर झुकाऊंगा नहीं, ऐसे उठा ले दे और ऐसे सिर पर रख दे। तो रावण बड़ा हो गए तो कि उस कैलाश को उठा लिया। अच्छा बोलो कैलाश रावण कहां रहा? लंका। देखो रावण एक बार चले गए बाली के कंख में रह गया, है कि नहीं? है सुना है कि नहीं? रावण इतने अहंकारी थे, एक बार किष्किंधा में आ गए और उस समय बाली जो थे सुग्रीव के भाई बड़े भाई बाली, बाली क्या कर रहे थे उस समय? समुद्र के तट पर बैठ करके वो जल तर्पण कर रहे थे सूर्य के लिए। बाली क्या कर रहे थे? सूर्य देवता के लिए पानी डाल रहे थे, ओम सूर्याय नमः कर रहे थे। और इतने समय रावण आकर के उसके पीठ पर गदा पीटने लगे, बोले युद्ध करो मेरे साथ, युद्ध करो। उस समय बाली कहने लगे दो मिनट ठहर जाओ, मेरा पानी देना समाप्त हो जाए, सूर्य देवता के मैं प्रणाम कर लेता हूँ, सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ। बोले नहीं, रावण बोले मेरे साथ अभी युद्ध करो। तो बाली ने किया कि रावण को बाएं हाथ में पकड़ लिया, इतने विशाल रावण थे, और उसके बाएं हाथ में पकड़ करके अपने कांख में दबा दी। इतना भाई हाँ। देखो वो पड़ा रहे, अरे पानी देने। तो रावण इतने भयभीत हो गया, रावण ये कभी कभी बाल में वो हो जाता है ना, क्या बोले जू हो जाता है ना, कीड़ा हो जाता है हाँ? होता है हाँ। वो जू के भांति ऐसे काटने लगे। बाली पानी देते देते बोले यहां पर कैसे काट रहे कौन है? देखो रावण बाली के कांख में रहा और वो कुट 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 के काट रहे। तो बाली सोचने लगे थोड़ा मेरा क्या हो गया, जू हो गया कुछ कुछ नहीं हो रहा। वो ऐसे उठाया, ऐसे उठाने के साथ से बाली रावण भग गया। अच्छा ताले बड़ा कौन हो गया? बाली हो गया। अच्छा बाली यदि बड़े हो रावण के हाथ में क्यों मर गए? राम जी के हाथ में मर गए। बाली और सुग्रीव में युद्ध होने लगे और रामचंद्र ने पीछे से उनको बाण चलाया और उनको मार, तो बाली के बाली मर गए। तो बड़ा कौन हो गया? राम हो गया। अच्छा राम यदि बड़ा हो कोई कहते ना कौन बड़ा है? राम बड़ा है, है? सबसे बड़ा कौन है? बोलो सियावर रामचंद्र जी। कोई भक्त कहते हैं राम जी बड़े हो तो भाई बताओ राम लक्ष्मण के दोनों को कांध में लेकर के हनुमान कैसे चला गया है? जब देखो सीता हरण के पश्चात रामचंद्र ने कंध के वध किया, वध करने के बाद जब वो पार करना था, वो बिहार जंगल पर्वत पार करना था और उसको कैसे जाए, तो हनुमान बोले एक काम करो राम लक्ष्मण मेरे कंधे पर। देखा चित्र? देखा कि नहीं देखा? क्या देखा? राम लक्ष्मण कहाँ बैठे हुए? बोलो बिंदा है, देखा कि नहीं है? तो बड़ा कौन हो गया? राम से बड़ा कौन हो गया? बोलो हनुमान जी की है? है? तो बड़ा कौन हो गया? हनुमान जी की जय। भगवत भक्त बड़ा हो गया, इसलिए कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ कौन है? भक्त है। हनुमान जी से कोई बड़ा है? इसलिए वो जो कीर्तन करे ना, राम के बिना चले ना दुनिया और दुनिया चले ना राम के बिना, और राम के चले ना हनुमान के बिना, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? भक्त है। इसलिए भक्त संग साधु संग कहा जाता है। हाँ ठीक से बैठो नहीं तो फिर
क्यों चार यदि कम भारी हो ना धरस करके गिर जाए तो सबसे बड़ा कौन हो गया? भक्त। भक्त हनुमान तो है ही, हनुमान भक्त है कि नहीं है? इसलिए भक्त संग जिसको कहते हैं साधु संग कहा जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं साधु से बड़े कोई नहीं। यदि भगवान को मिलना है किसके संग करना पड़ेगा? साधु संग है। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले हनुमान के बिना। भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, अर्थात हनुमान साधु है, भक्त है। इसलिए भक्ति चाहते हो क्या करना चाहिए? साधु संग, भक्त संग करो। इसलिए कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग करना पड़ेगा, सत्संग है। चुपचाप रहो, बकबक मत कर, चुप रहो। इसलिए साधु संग दिखाया गया है, भक्त संग। और भक्त क्या करते हैं? सदा सर्वदा गुरुदेव की वचनों पर विश्वास रखते हैं। जो साधु अथवा भक्त गुरु के प्रति विश्वास नहीं है वो कभी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। क्या बोला? गुरु के वचनों पर। देखो इसलिए वो माता जी अभी कीर्तन किया ना, देखो सबरी के एक उदाहरण दे रहे हैं। सबरी नीच कुल में जन्म लिया है, आस है। और देखो जब मातंग ऋषि के आश्रम में आई भजन करने के लिए, उसे मातंग ऋषि के आश्रम में सब उच्च कुल के ब्राह्मण बालक रहते था, पढ़ता था। सबरी आई तो समस्त ब्राह्मण बालक कहने लगे, ये सबरी तो नीच कुल की जाति है, ये हमारे आश्रम में रहे तो हम नहीं रहेंगे। देखो मातंग ऋषि बोले, ये सबरी जो है नीच कुल में होने पर भी है ये शुद्धा भक्ति है, भक्ति इसमें भक्ति है। देखो गुरु पहचान लेते हैं, गुरु जो है सदगुरु पहचान लेते हैं किसके हृदय में कितना भक्ति है या नहीं है। जैसे दूध में कितने पानी मिलाया है, यदि आपके घर में बैरोमीटर रहे, लैक्टोमीटर रहे, लैक्टोमीटर होता है ना, क्या रहता है लैक्टोमीटर, उसमें दूध में पानी डाल दो और फिर वो लैक्टोमीटर डाल दो तो पता भी लगेगा इतने परिमाण पानी है और इतने परिमाण दूध। बोलो वृंदावन बिहारी ला। अच्छा संत महात्मा उसी प्रकार ही है, आ समझे। संत महाराज महात्मा भी वो पता लगा देते हैं तुम्हारे हृदय में कितना भक्ति है अथवा नहीं, पता लगा देते। चलो तो इसलिए देखो मातंग ऋषि कहने लगी, देखो तुम लोग जा सकते जाओ, तुम लोग अहंकारी हो, किंतु यह सबरी आश्रम में रहेगी है। तो सब कुछ तो ब्राह्मण बालक चले गए, कुछ रहने लगे और सबरी वहीं पर। देखो मातंग ऋषि जब वृद्ध हो गए तब उन्होंने सबरी के बोली, देखो तुम मेरे मैं चले जाने के बाद, मेरे शरीर छोड़ने के बाद तुम इस आश्रम में रहना। और देखो राम और कृष्ण लक्ष्मण इसी आश्रम में आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। देखो सबरी गुरु के प्रति कैसे दृढ़ विश्वास है। भक्ति कुछ नहीं है, भक्ति क्या है? गुरु वाक्य के प्रति विश्वास होनी चाहिए। किसके प्रति विश्वास होनी चाहिए? गुरु वाक्य के प्रति, गुरुदेव जो आदेश दिया है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ओइक हार न करिया मन आस। गुरु वाक्य के विश्वास होनी चाहिए। देखो सबरी के जीवन की यही इतिहास बताते हैं हमें रामायण में। सबरी की कथा तो यही तो दिखाया है, ये देखो अपने गुरु मातंग ऋषि के प्रति कैसे दृढ़ विश्वास है। गुरुदेव ने कहा दिया सबरी एक दिन राम और लक्ष्मण इसी आश्रम में आए। देखो सबरी क्या करती थी है?
अपने गुरुदेव मतंग ऋषि चले जाने के बाद उस आश्रम में सुंदर सुंदर फूलों के द्वारा सजा दिया और सचिव कब राम और लक्ष्मण आएंगे, एक एक फूलों की पंखुड़ियों के जो है डाकर के वो रास्ता बना देते थे, क्यों मन ही मन विचार करते थे गुरुदेव ने जो कहा एक दिन राम और लक्ष्मण है कब आएंगे तो नहीं बोला है? आपके गुरुदेव बोला कब आएंगे भगवान, भजन करो, किंतु विश्वास नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार सबरी ने गुरु बाके पे विश्वास कर, इसलिए सबरी क्या करती नित्य प्रत्यह सुंदर सुंदर फूलों के चुन करके देखो वो बना दे रास्ता बना दे। देखा रामानंद सागर में वो टीवी में देखा कि नहीं देखा, देखा आपने नहीं देखा तो उसमें लगा दो दिखाई पड़ेगा सर, देखो है वो संत महात्मा उस स्थान से जाते थे, अरे अरे तू क्या कर रही है, बोले मेरे गुरुदेव ने कही कहा दिया लेकिन राम लक्ष्मण आएंगे, राम लक्ष्मण के चरण तो बहुत कोमल है वो कैसे पैर रखेंगे, इसलिए मैं फूलों के द्वारा रास्ता बना रहा हूं। संत महात्मा अरे कब आएंगे तू पागली है हर रोज क्यों बनाते, बोले नहीं नहीं कब आ जाए देखो, एक दिन सचमुच राम और लक्ष्मण आगे कि नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, और सुंदर सुंदर मीठी मीठी फल जिस पेड़ में लगता था उस फल के तोड़ करके राम और लक्ष्मण को खिला दी थी है? देखो कैसे सुंदर गुरु बाकु की विश्वास, किंतु यहाँ पर रामानंद सागर ने थोड़ा गलती कर दी, अपने झूठे जो है राम लक्ष्मण के खिला दी, बोले देखो है ये सच है, क्यों रामचंद्र मर्यादा में है, कृष्ण के कृष्ण तो खा लेंगे है, कृष्ण खाते अपने झूठन दूसरे के झूठन खा लेंगे, किंतु राम लक्ष्मण ऐसे है थोड़ा है समझना चाहिए। राम विशेषकर रामचंद्र जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए राम कोई अपने झूठे राम को नहीं दे सकते और नाम राम भी लेंगे नहीं है, ये देखा क्योंकि उसमें जो लिखा है रामायण में लिखा है जिस पेड़ में सुंदर सुंदर अच्छे 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 मीठी फल लगता था उस फल को तोड़ करके चख लेता था ये फल अच्छा है, और उस पेड़ के फल को वो तोड़ करके ठाकुर जी की भोग लगा दे, ये मतलब नहीं है वो अपने झूठन रामचंद्र के दे रहे हैं, वो तो सखा लोग दे सकते हैं, कौन सखा वृंदावन के सुबल सुदाम है ये लोग दे सकते हैं है, किंतु रामचंद्र नहीं, रामचंद्र के देने से दिखा ये सब सिद्धांत दे हैं, किंतु हम इसलिए रहे देखो सबरी के गुरु के प्रति कैसे निष्ठा थी भक्त, संसार लोग तो गुरुकरण कर लेते हैं किंतु गुरु के प्रति यदि निष्ठा नहीं रहे उसे फल नहीं होता है, गुरु के प्रति निष्ठा होना चाहिए है, आज डू और डाय करेंगे गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है, ये नहीं है आज छोड़ दे फिर दूसरी है ऐसे नहीं होता है, गुरु इसलिए करो गुरु के प्रति प्रगाढ़ कैसे होनी चाहिए निष्ठा, यदि सदगुरु मिल गया उस गुरु के कभी त्याग देना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए त्याग देना चाहिए, गुरु के प्रति हमारी निष्ठा हो है, क्योंकि भक्ति के रीढ़ क्या है, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ भक्ति गुरु निष्ठा है, गुरु निष्ठा दैट इज द बैकबोन ऑफ आवर भजन एंड साधन, गुरु पाद में जा रहे निष्ठा भक्ति संसार तद्देशी धरी महास, ये गुरु के प्रति जिसको जितना निष्ठा होता है और उतने ही परिमाण वो भक्ति में बढ़ जाते हैं, गुरुदेव ने जो कहा उसके पालन करो बस है दृढ़ता के साथ है, इसलिए गुरुकरण करना चाहिए गुरुदेव की से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के विश्वास के साथ भजन, देखो भगवान रामचंद्र गुरुकरण किया कि नहीं, किससे मंत्र लिया भगवान रामचंद्र
वशिष्ठ ऋषि से। कृष्ण किससे गुरु करण किया? भागुरी ऋषि से। देखो शास्त्र में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु किससे दीक्षा मंत्र लिया? ईश्वर परिपाद है। देखो स्वयं भगवान होते हुए पर भी जगत जीव को शिक्षा दे रहे, ये गुरु के प्रति हमारा निष्ठा रहे। गुरु मंत्र गुरु के प्रति, जिसके गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है वो हजार भजन करने पर भी उसे कुछ नहीं होता है। इसलिए पहले हमें कैसे होनी चाहिए? गुरु के प्रति निष्ठा है। एक एक जीवन कैसे होना चाहिए? गुरु के प्रति निष्ठा है। और हरि नाम करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नाम मंत्र आदि जप करें, गुरु निष्ठा आदि रखें, धीरे धीरे बढ़े। अच्छा बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद वल्लभ हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद वल्लभ हरि गोपाल बोलो, गोविंद मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनुआरी मेरो, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनुआरी मेरो, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद मेरी मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद मेरी मुरली मनोहर नंदलाला, मेरी मुरली नंदलाला गोपाला।
वो करो ना, वो जो पिछले राधा गांधी दीदी पहली से, वो जो उस समय जो मैं आया था, जो उधार जो बच्चियां जो जो कीर्तन कर रहे थे, बहुत साज करके अच्छा लग रहा था ना जन्माष्टमी के आगे जो, याद है? अरे वो उधार जो गए थे हम, अरे नहीं दिस यार, उस जॉब में आया था, हाँ वो मंदिर के सामने जो कीर्तन कर रहे थे, शिव मंदिर, हाँ हाँ उनके, हाँ उनको बुलाओ, वो जो है कीर्तन करे अच्छा रहता है। कब? हाँ कृष्णा दीदी को फोन करो, है वो अच्छा लगा ना, वो जो क्या बोले, क्या बोले लड़कियां जो डांस की थी बढ़िया अच्छा लगा, हैं आप अभी फोन करो। हाँ हाँ भागवत में जो है लास्ट के दिन वो करें, लास्ट दिन काल परसों समाप्त कब हो जाएगा, परसों होगा ना, आज पांचवा है, छह सात और दो दिन रह गया, उनको बुला अच्छा रहेगा, है बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय 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 श्री राम। हाँ और क्या करना, और ये कीर्तन करो, है इसी घर के मालिक कौन है? हाँ उनके लिए जोर से ताली बजाओ। इसके माता जी है, हाँ और ये बेटी कौन है? चंदन, चंदन बती, अनुराधा, कौन के नाम, अच्छा नाम है ना, हाँ और माँ के नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या? प्रतिमा, अच्छी बात, हाँ हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उसकी ऋषिकेश में कथा है, ये दूसरा महीने, दूसरा महीने में 23 को, फरवरी 23 को ऋषिकेश में कथा है, ऋषिकेश में 300 लोग ऐसे ओल्ड एज वाले है और जाएगा। अच्छा अच्छा आश्रम और पीछे है ना वो हिमाचल प्रदेश में, माता पिता सबको आमंत्रित कर दो, हाँ सबको आमंत्रित कर दो। Everybody is invited to this program in Rishikesh next month. Translated by the family of this today. So please tell her. National Highway. Nestor. Nestor Highway. Nestor Highway.